आई टोल्ड यू टू चेक वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट एनटीपी एंड एट एचटीपी. व्हाट इज एनटीपी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर? हाँ, 293. लेकिन नॉर्मली इट इज टेकन टू बी 27 डिग्री सेल्सियस. नॉर्मली एचटीपी इज 27 डिग्री, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस. तो जो क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था, देर इज अ करेक्शन इन दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे एचटीपी की जगह पे आएगा एनटीपी, एंड दैट वाज द रीजन आई टोल्ड यू टू चेक. क्योंकि अगर आप 0 डिग्री लेते हो, मतलब 273 लेते हो, तो आंसर आपका करेक्ट नहीं आएगा. दैट इज वाई यू हैव टू चेंज हियर फ्रॉम एचटीपी टू एनटीपी. तो नाउ वी कैन गो अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन बट नेक्स्ट थेरी टॉपिक. तो अगला थेरी टॉपिक है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. तो नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग इक्विपार्टीशन थ्योरम भी बोलते हैं. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, विच इज ऑल्सो नोन एज इक्विपार्टीशन थ्योरम. वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट. सबका ध्यान यहाँ पे, गड़बड़ बिल्कुल नहीं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. तो पहले ये थ्योरम क्या है समझ लेते हैं, देन वी विल स्टेट ऑल्सो इसका स्टेटमेंट बाद में देखेंगे. सबसे पहले व्हाट यू शुड नो इज फॉर एनी मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय. तो आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी इन जनरल. हाफ एम वी स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज मास ऑफ मॉलिक्यूल एंड वी इज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल. और अगर आपको याद होगा, आपने 11th स्टैंडर्ड में वेक्टर सीखा था. तो अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है विच इज मूविंग इन 3 डायमेंशंस, तो उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वी बार, इट कैन बी रिटन एज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वी स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर. तो ये अगर मैं इक्वेशन नंबर वन में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, नोट्स में थोड़ा मैंने कॉम्पैक्ट दिए हैं, यहाँ पे हम डिटेल देख रहे हैं. नोट्स में मैंने डायरेक्टली इक्वेशन नंबर वन एंड टू को कंबाइन करके लिखा है. देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर था वी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर. और यहाँ पे आप एम से मल्टीप्लाई कर लो, यू गेट हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर. सो देयरफॉर यू हैव काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर. ये आ गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी. तो एट अ गिवन टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना है, सो एट अ गिवन टेम्परेचर टी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज. अब एवरेज का जो नोटेशन है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है. कहीं पे आप देखोगे एवरेज में लिखते हैं, इफ यू रिमेम्बर, काइनेटिक एनर्जी बार, तो बार मतलब एवरेज. लेकिन स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिक्स में, बाय द वे, जब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो, तो वो जाता है स्टैटिस्टिक्स में, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. तो ये स्टैटिस्टिक्स है क्योंकि यहाँ पे आप गैस की बात कर रहे हो, गैस में लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो स्टैटिस्टिक्स में एवरेज को डिनोट करने का एक अलग तरीका होता है. एवरेज के लिए आप इसको लिखते हो लेस देन और ग्रेटर देन के ब्रैकेट में. तो जब लेस देन और ग्रेटर देन के ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हो, तो मतलब किसकी बात कर रहे हो तुम? एवरेज वैल्यू की, मतलब मीन वैल्यू की. तो एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एवरेज ऑफ हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस एवरेज ऑफ हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस एवरेज ऑफ हाफ एम वी जेड स्क्वायर. अब
फिर बाय द वे ये क्वेश्चन है कि हमने एवरेज किया ही क्यों, क्योंकि देखो आइडिया ये है, मैंने बोल तो दिया यहाँ पे फॉर एनी मॉलिक्यूल करंट एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर, और वो आ गया आपके पास हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो हम कौन से मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं नहीं पता हमको, हम जनरल मॉलिक्यूल ले रहे हैं। अगर मैं एक मॉलिक्यूल लूंगा उसका वी एक्स का वैल्यू अलग आएगा, दूसरे का अलग आएगा, तीसरे का वी एक्स अलग होगा, चौथे का एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलग होगा। सिमिलरली हर एक मॉलिक्यूल का वाई कंपोनेंट भी अलग होगा, सिमिलरली हर एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट भी अलग होगा। तो जब आप लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में से कोई भी रैंडमली एक मॉलिक्यूल लेते हो, तो उस केस में हमको एवरेज वैल्यूज की बात करनी पड़ती है। बिकॉज एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो तो आप एग्जैक्टली बता ही नहीं सकते हो कि पहले मॉलिक्यूल का स्पीड है कि दूसरे का है। तो हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली उठाते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एवरेजेस लिए, क्योंकि तो मैं रैंडमली किसी एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, तो जो भी एवरेज एनर्जी होगा वो लेना पड़ेगा। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर पक्का? बट इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद होगा, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल अगर याद होगा हमने फाइंड किया था, याद है क्या, 3/2 KBT। वेरी गुड, तो ये याद होना चाहिए। तो लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल एट अ गिवन टेम्परेचर इज 3/2 KBT, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और 4 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या आएगा, सेम आएगा। देयरफॉर यू कैन राइट डाउन लेफ्ट हैंड साइड हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस एवरेज ऑफ हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस एवरेज ऑफ हाफ एम वी जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, 3/2 KBT। तो ये जो 3/2 KBT है, तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर इक्वल टू, ये जो 3/2 KBT था, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, ½ KBT प्लस ½ KBT प्लस ½ KBT, लिख सकते हैं क्या ऐसा? यस करेक्ट। अब क्योंकि ये रैंडम था, आपको याद होगा रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो जब मोशन रैंडम हो तो कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन नहीं होता है, हर एक डायरेक्शन में जो भी होता है वो सेम होता है। तो सिंस द मोशन इज रैंडम, सिंस द मोशन इज रैंडम, देर इज नो प्रिफर्ड डायरेक्शन, देर इज नो प्रिफर्ड डायरेक्शन। और जब डायरेक्शन प्रिफर्ड नहीं हो, तो उस केस में हर एक डायरेक्शन में क्या होता है, सेम होता है। मतलब यहाँ पे हाफ एम वी एक्स स्क्वायर का जो एवरेज है वो कितना आएगा, ½ KBT, और हाफ एम वी वाई स्क्वायर भी क्या आएगा, ½ KBT, और हाफ एम वी जेड स्क्वायर भी क्या आएगा, ½ KBT। क्लियर? तो हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम सिंगल मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वी हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन वी स्क्वायर क्या होता है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, एवरेज लिया। एवरेज क्यों लिया, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उसमें से रैंडमली एक मैंने उठाया है, तो हम लोग एवरेज वैल्यूज की बात करते हैं यहाँ पे। तो मीन काइनेटिक एनर्जी इज मीन ऑफ हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर एंड हाफ एम वी जेड स्क्वायर। बट हमको ऑलरेडी पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज 3/2 KBT। इसका मतलब जो इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड है और 4 का लेफ्ट हैंड साइड है, दे आर सेम, तो राइट हैंड साइड भी होंगे सेम। तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर हाफ एम वी वाई स्क्वायर और हाफ एम वी जेड स्क्वायर का एडिशन आ गया 3/2 KBT। 3/2 KBT को मैंने ½ KBT, ½ KBT और ½ KBT लिख लिया। इसका मतलब हर एक टर्म के साथ हाफ एम वी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, ½ KBT, हाफ एम वी वाई स्क्वायर क्या आ गया, ½ KBT। क्लियर? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, या तो इसको बोलते हैं इक्विपार्टीशन थ्योरम। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है,
अगर आपको इसको थ्योरेटिकल स्टेटमेंट लिखना है तो बहुत सिंपल है. एज यू कैन सी यहाँ पे हाफ एम वी एक्स स्क्वायर था, और यहाँ पे वी वाई स्क्वायर था, और यहाँ पे वी जेड स्क्वायर था. तो जब भी स्क्वायर लिखो तो उसको क्या बोलते हो, कौन सा टर्म होता है वो? क्वाड्रेटिक, राइट? तो हर एक क्वाड्रेटिक टर्म के साथ कितना एनर्जी आया? हाफ केवीटी. दैट इज नथिंग बट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. तो इसका स्टेटमेंट अगर लिखोगे तो वेरी सिंपल. द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच क्वाड्रेटिक टर्म इज हाफ केवीटी. तो जहां जहां पे क्वाड्रेटिक टर्म हो, हर एक क्वाड्रेटिक टर्म के साथ कितना एनर्जी है? हाफ केवीटी. तो देयरफॉर द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच क्वाड्रेटिक टर्म इज हाफ केवीटी. ईच क्वाड्रेटिक टर्म इज हाफ केवीटी. ये आ गया उसका स्टेटमेंट. इसी स्टेटमेंट को हम अल्टरनेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. वैसे बाय द वे यू मस्ट नो, ये जो एनर्जी है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. क्या बोलते हैं इसको? अब ट्रांसलेशनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल के तीन टाइप के मोशन होते हैं. एक है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, लिनियर मोशन. लिनियर मोशन का और एक नाम है ट्रांसलेशनल मोशन. एक मॉलिक्यूल रोटेट भी हो सकता है तो रोटेशनल मोशन, और मॉलिक्यूल के जो एटम्स है वो वाइब्रेट भी हो सकते हैं तो वाइब्रेशनल मोशन. तो मॉलिक्यूल कैन हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल. हम आएंगे अभी 5-10 मिनट में देखेंगे वो. तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वेयर, दिस एनर्जी इज रिलेटेड टू ट्रांसलेशनल मोशन व्हेन द मॉलिक्यूल इज गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. तो ये कौन सा मोशन है? ट्रांसलेशन. हाउ डू यू नो? क्योंकि यही आता है. रोटेशनल एनर्जी क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो रोटेशनल डायनामिक्स में हमने पहले बता दिया था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ पे हमने हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखा क्या? नहीं, हमने क्या लिखा? हाफ एम वी स्क्वायर. सो दिस इज विच एनर्जी? ट्रांसलेशनल. तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा, इसको लिखने का और एक तरीका भी है. द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच क्वाड्रेटिक टर्म इन ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल. देखो हम इसको लिख सकते हैं, ये मोशन कौन सा था? ट्रांसलेशनल. ट्रांसलेशनल मोशन में जो हर एक क्वाड्रेटिक टर्म है, और क्वाड्रेटिक किस में है? वो वेलोसिटी में. तो ट्रांसलेशनल मोशन में हर एक क्वाड्रेटिक टर्म और क्वाड्रेटिक किस में है? वो वेलोसिटी में. अगर ऐसा आता एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक किस में होता? पोजिशन में. लेकिन तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक पोजीशन में आया है कि वेलोसिटी में आया है? वेलोसिटी में आया है. तो इसको एक अल्टरनेट तरीके से भी लिख सकते हो आप. आप बोल सकते हो द एनर्जी एसोसिएटेड विथ विथ ईच क्वाड्रेटिक टर्म विथ ईच क्वाड्रेटिक टर्म इन ट्रांसलेशन या फिर इन ट्रांसलेशनल मोशन विच इज क्वाड्रेटिक इन वेलोसिटी कंपोनेंट्स इज हाफ केवीटी. तो अल्टरनेट तरीके से ऐसा भी लिख सकते हो, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच क्वाड्रेटिक टर्म इन ट्रांसलेशनल मोशन विच इज क्वाड्रेटिक इन वेलोसिटी इज हाफ केवीटी. तो जहां जहां पे क्वाड्रेटिक टर्म दिखे वहां पे एनर्जी कितना है? हाफ केवीटी. यहां तक क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? तो इन शॉर्ट, ईच क्वाड्रेटिक टर्म के साथ कितना एनर्जी है? हाफ केवीटी. तो अगर दो क्वाड्रेटिक टर्म होंगे तो कितना एनर्जी होगा? हाफ प्लस हाफ 1 केबीटी. तीन होंगे तो 3/2 केबीटी. चार होगा तो 4/2, मतलब 2 केबीटी. पांच होगा तो 5/2 केबीटी. अबे याद रखना. अब हमको कुछ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखना है, विच इज कॉल्ड एज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है डिफाइन करेंगे, फिर मैं बताता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या? द नंबर ऑफ
the number of coordinates, the number of coordinates, or वैसे द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स बोलना चाहिए. थोड़ा सा नोट्स में लिखने का तरीका मेरा अलग है, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्टकट करके लिखता हूँ, तो नोट्स में थोड़ा सा आपको एक दो वर्ड ज्यादा दिखेंगे. द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू to specify position and configuration of a system completely are known as degrees of freedom. मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ क्या है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम दे आर टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई लोकेशन, मतलब पोजिशन एंड कॉन्फिगरेशन ऑफ अ सिस्टम कंप्लीटली. मतलब फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस है विच इज मोनोटॉमिक. ये मोनोटॉमिक है, सिंगल एटम है इसमें. मुझे अगर इसकी पोजिशन कंप्लीटली बतानी है तो मुझे कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? तीन, क्योंकि थ्री डायमेंशनल है इसलिए, एक्स वाई एंड जेड बराबर. और मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन बताना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सिर्फ ये होता है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब रेस्ट पे है कि मूविंग है. तो मुझे अगर पोजिशन बताना है तो कितने कॉर्डिनेट चाहिए? तीन, एक्स वाई एंड जेड. मुझे कॉन्फ़िगरेशन बताना है तो मुझे ये बताना है कि ये मोशन में है कि नहीं. कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है स्टेट ऑफ मोशन. तो दो ही स्टेट ऑफ मोशन हो सकते हैं, एक तो रेस्ट या फिर मोशन, राइट. तो मोशन बताने के लिए तीन कोऑर्डिनेट और चाहिए, वी एक्स, वी वाई एंड वी जेड बराबर. मैं वापस बता रहा हूँ, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई पोजीशन एंड कॉन्फिगरेशन ऑफ अ सिस्टम कंप्लीटली आर नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम. मैंने स्टार्ट किया मोनोटॉमिक गैस से. मोनोटॉमिक गैस में सिंगल एटम होता है. इसके पोजिशन को कंप्लीटली बताने के लिए कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? थ्री, एक्स वाई एंड जेड. और इसका मोशन बताने के लिए, मतलब कॉन्फिगरेशन बताने के लिए क्या चाहिए? और तीन, वी एक्स, वी वाई एंड वी जेड. तो हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम? सिक्स. कितने? गलत, तीन. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तुमको एक्स पता है तो तुमको बाय डिफॉल्ट वी एक्स पता है, सिर्फ डेरिवेटिव लेना पड़ेगा बराबर. इसलिए मैंने बोला इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट वर्ड ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि वेलोसिटी तो एक्स पे डिपेंड करता है ना, तो वो इंडिपेंडेंट कहां से हो गया? वो तो डिपेंडेंट है, करेक्ट. अगर y पता है तो वी वाई पता है, और z पता है तो आपको वी जेड पता है. तो कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए कितने इंडिपेंडेंट कॉन्टेंट लगेंगे? थ्री की सिक्स, थ्री, ओनली थ्री, बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट इंडिपेंडेंट, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन पोजिशन. तो इसको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. क्या बोलते हैं इसको? डिग्री ऑफ फ्रीडम. द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई पोजिशन एंड कॉन्फिगरेशन ऑफ अ सिस्टम कंप्लीटली आर नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम. ये थोड़ा हाई फाई लैंग्वेज हो गया, थोड़ा सिंपल कर देते हैं. थोड़ा हाई फाई लैंग्वेज था, अभी क्या करेंगे इसको थोड़ा सा सिंपल करेंगे. और ये सिंपल तब होता है व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम. जो दिया है उसके बारे में सोचना पड़ेगा. सी, इफ आई हैव अ मॉलिक्यूल एंड लेट अस से इस मॉलिक्यूल को मैंने एनर्जी दे दी, तो ये मॉलिक्यूल एनर्जी लेके क्या क्या कर सकता है वो सोचो. ये मॉलिक्यूल एनर्जी लेके क्या क्या करेगा? ये मोनोटॉमिक है ना. इफ आई गिव इट एनर्जी, इट कैन एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, और इट कैन एब्जॉर्ब दैट एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, और इट कैन स्टार्ट मूविंग अलोंग जेड एक्सिस. तो देयर आर टोटल थ्री वेज इन विच अ मॉलिक्यूल, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कैन एब्जॉर्ब एनर्जी, एंड दैट इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो मैंने अल्टरनेट डेफिनेशन लिख के दिया है. द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच मॉलिक्यूल कैन एब्जॉर्ब एनर्जी इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम. ये तो मोनोटॉमिक था. हम डायटॉमिक की भी बात कर लेते हैं. देखो डायटॉमिक में क्या होता है, दो एटम्स होते हैं, और इसमें दो केस बनते हैं. एक केस होता है रिजिड डायटॉमिक. व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड? द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स डज नॉट चेंज, मतलब बॉन्ड लेंथ इज फिक्स्ड. ये जो बॉन्ड है ये फिक्स्ड बॉन्ड है, इस बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होगा.
तो इस केस में अगर मैं एनर्जी देता तो क्या क्या होता? ये मॉलिक्यूल अपना एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर सकता था, वाई चेंज कर सकता था और जेड चेंज कर सकता था। तो ट्रांसलेशन के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए? 3। ये मॉलिक्यूल रोटेट भी हो सकता था, तो दिस मॉलिक्यूल कैन ऑल्सो रोटेट। ये आ गया पहला रोटेशन। और एक दूसरा रोटेशन है, एक एटम बाहर आ रहा है, दूसरा अंदर जा रहा है, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो ये दो रोटेशन हो गए। ट्रांसलेशन के कितने थे? 3। रोटेशन कितने हैं? 2। तीसरा भी है, फोर्थ रोटेशन अपनी जगह पे रोटेट हो रहा है ना, अपनी ही जगह पे रोटेट हो रहा है, लेकिन उसके लिए एनर्जी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता है? मैं थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ, पहले तो रिवाइज करना पड़ेगा आपको। तो हमने सबसे पहले आज चालू किया था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्वी मतलब इक्वल, पार्टीशन किसका पार्टीशन इक्वल हो रहा है? एनर्जी का। मेरे पास अगर एक मॉलिक्यूल है, उसका एनर्जी है, तो उसका एनर्जी का इक्वल पार्टीशन होगा। अगर वो ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एक्स एक्सिस के साथ एसोसिएटेड एनर्जी होगा ½ kBT, वाई के साथ होगा ½ kBT और जेड के साथ भी होगा ½ kBT। तो तीनों एक्सिस के साथ एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड, इसलिए इसको क्या बोलते हो? इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये तो ऐसा नहीं हुआ कि एक्स के साथ ज्यादा है और वाई के साथ नहीं है, ये याद रखो, राइट? तो द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच क्वाड्रेटिक टर्म इज ½ kBT। उसके बाद हमको देखना है व्हाट आर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करने के दो तरीके मैंने बताए। नंबर 1, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई पोजिशन एंड कॉन्फिगरेशन ऑफ अ सिस्टम कंप्लीटली। अगर मैं पोजिशन स्पेसिफाई कर पा रहा हूँ तो मैं वेलोसिटी तो अपने आप ही स्पेसिफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर एक्स पता है तो वी एक्स पता है, वाई पता है तो वी वाई पता है, जेड पता है तो वी जेड पता है। तो टोटल 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमको, एक्स वाई एंड जेड। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 3। इसी को सोचने का और एक तरीका था, अगर मेरे पास मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, मोनो एटॉमिक है, तो मैं एनर्जी दूंगा। मोनो एटॉमिक में रोटेशन नहीं होता है, मोनो एटॉमिक में वाइब्रेशन भी नहीं होता है, तो मोनो एटॉमिक में सिर्फ क्या होता है? ट्रांसलेशन। क्योंकि तुम एनर्जी दोगे तो वो मॉलिक्यूल, वो एटम क्या करेगा? या तो एक्स एक्सिस में मूव होगा, या तो वाई में होगा, या तो जेड में होगा। तो अगर मैं इसको एनर्जी देता हूँ तो ये एनर्जी 3 तरीके से वो यूज कर सकता है टू परफॉर्म मोशन अलोंग एक्स और वाई और जेड। तो एक अल्टरनेट डेफिनेशन बन गया डिग्री ऑफ फ्रीडम का, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच अ मॉलिक्यूल कैन एब्जॉर्ब एनर्जी इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन वो तो सिर्फ मोनोएटॉमिक का केस था ना, अब हम लोग रिजिड डायएटॉमिक पे आ जाते हैं। रिजिड का मतलब होता है कि यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है इट इज फिक्स्ड, इट विल नॉट चेंज। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है और रिजिड है। तो अगर मैं अब एनर्जी देता हूँ तो क्या क्या होगा? एक रोटेशन होगा, एक ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन के 3 पॉसिबिलिटी है, एक्स वाई एंड जेड। रोटेशन के 2 ही है, ऐसा क्यों? इफ यू रिमेम्बर, ये सारा का सारा बेसिक्स आ रहा है आपका चैप्टर नंबर 1 से, रोटेशनल डायनेमिक्स। तो अगर आपको याद होगा, सपोज ये एक्स एक्सिस है, तो जो मॉलिक्यूल के एटम्स हैं वो कौन से एक्सिस पे बैठे हैं? एक्स एक्सिस। ये वाई और ये जेड। जेड मतलब इनसाइड एंड आउटसाइड। तो जब मैं मॉलिक्यूल को रोटेट करवाऊंगा तो मॉलिक्यूल का रोटेशन कैसा होगा? एक ऐसा होगा, बराबर एक आइटम यहाँ था, एक यहाँ था। तो दिस इज द वे इन विच इट विल रोटेट, दिस इज द वे इन विच इट विल रोटेट, इट इज रोटेटिंग अलॉन्ग दिस। तो इट इज रोटेटिंग अलॉन्ग विच एक्सिस? दिस एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, है ना? रोटेशन एक्सिस कौन सा है? जेड एक्सिस। दूसरा है इनसाइड एंड आउटसाइड, एक आइटम बाहर गया, एक अंदर आया, तो इट इज रोटेटिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस। तीसरा क्या था? अपनी ही जगह पे रोटेट होना, एक्स एक्सिस। लेकिन एक्स एक्सिस का रोटेशन हम लोग कंसिडर नहीं करते, क्यों नहीं करते? ये क्वेश्चन था मेरा, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मतलब रोटेशनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन आई। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एम आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? डिस्टेंस ऑफ एटम जो रोटेट हो रहा है। कौन रोटेट हो रहा है? एटम, मॉलिक्यूल्स के एटम रोटेट हो रहे हैं ना। डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन,
ये जो मॉलिक्यूल के एटम्स है वो कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस. तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एटम्स फ्रॉम एक्स एक्सिस? तो व्हाट इज आर? जीरो. इफ आर इज जीरो व्हाट इज आई? जीरो. कौन सा आई? आई एक्स इज जीरो बराबर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज जीरो. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? जीरो होगा. तो याद रखो, अगर ऐसा कुछ केस आया जिसमें एटम्स खुद एक्सिस के ऊपर बैठे हैं तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जीरो. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होना मतलब काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज जीरो. मतलब एक्स एक्सिस के अलावा मॉलिक्यूल रोटेट तो होगा बट एनर्जी लगता ही नहीं है क्योंकि तो वहां पे इनर्शिया नहीं है. इनर्शिया क्या होता है? टेंडेंसी टू अपोज. तो देर इज नो अपोजिशन. सो द मॉलिक्यूल इज रोटेटिंग यस बट इट डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी. तो हाउ मेनी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम? टू. कौन सा वाई एंड जेड. तो रोटेशनल के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए? दो. कितने आ गए? दो. ट्रांसलेशन कितने हैं? तीन. तो रिजिड में टोटल कितने हैं? पांच. गुड. देन अगर नॉन रिजिड हो, नॉन रिजिड का मतलब होता है जो ये बॉन्ड लेंथ है ना ये फिक्स नहीं है, ये स्प्रिंग जैसा है, इट इज लाइक स्प्रिंग. तो ट्रांसलेशन के कितने? तीन. रोटेशन के कितने? दो. और वाइब्रेशन के कितने? वाइब्रेशन के कितने? वन की टू. चलो अगर आप वन बोलते हो तो लेट मी गो इन टू लिटिल बिट ऑफ डिटेल. अगर आपको याद होगा, मैं इसलिए एक एक टॉपिक में आपको बोलता हूँ कि ये थ्योरी है लेकिन इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपको याद होगा, हम जब अजम्पशंस देख रहे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, दे आर अज्यूम टू बी नॉन इंटरैक्टिंग. एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा है. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिया था? जीरो. क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ आता है? जहां पे इंटरैक्शन हो. बराबर. एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ नहीं कर रहा है, सही बात है, लेकिन एक मॉलिक्यूल के दो एटम्स तो कर सकते हैं ना इंटरैक्ट. तो ये स्प्रिंग जैसा है. तो जब वाइब्रेट होगा तो जो एटम्स है दे आर परफॉर्मिंग विच मोशन? लीनियर. तो एक आपका एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कहां से आएगा? लीनियर मोशन. दैट इज काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि जब जब लीनियर मोशन हो तो कौन सा एनर्जी? काइनेटिक. सो वाइब्रेशन में एक कंपोनेंट कहां से आ रहा है? बिकॉज ऑफ लीनियर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ईच अदर. तो वाइब्रेशन में दो कंपोनेंट्स है, एक आ रहा है हाफ एम वी स्क्वेयर. और रिमेंबर ट्रांसलेशन का हाफ एम वी एक्स स्क्वेयर वो अलग, ट्रांसलेशन का हाफ एम वी एक्स स्क्वायर वो अलग है. उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल मूव कर गया. रिमेम्बर जब ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ, मैं हाफ एम वी एक्स स्क्वायर बोल रहा हूँ, हाफ एम वी वाई स्क्वायर बोल रहा हूँ, हाफ एम वी जेड स्क्वायर बोल रहा हूँ, मतलब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल मूव किया. लेकिन जब वाइब्रेशन की बात कर रहा हूँ तो मॉलिक्यूल नहीं मूव हो रहा, उसके एटम्स मूव हो रहे हैं. बराबर. तो यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी में एक कंपोनेंट कहाँ से आएगा? ट्रांसलेशन. किसका ट्रांसलेशन? एटम्स का, मॉलिक्यूल का नहीं, एटम्स का. बराबर. नंबर टू यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में जो दो एटम्स थे, जब वो एक दूसरे के पास में आएंगे तो डिस्टेंस चेंज होगा. जब डिस्टेंस चेंज होता है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होता है. तो वाइब्रेशन में आप सीखोगे चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन में, यू विल सी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन इज हाफ के एक्स स्क्वेयर. तो When the atoms of molecule perform vibration, there are two components. One is kinetic energy of vibration and other is potential energy of vibration. Kinetic energy होता है half m v square और potential होता है half k x square. Another clear? तो ये भी तुम notice करोगे तो क्या है? Quadratic है. एक velocity में quadratic है और एक position में quadratic है. बराबर. तो अब इमेजिन करो अगर मेरे पास एक नॉन रिजिड मॉलिक्यूल हो, नॉन रिजिड डायटॉमिक मॉलिक्यूल हो, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आएंगे? सेवन. तीन आ रहे हैं कहाँ से? ट्रांसलेशन से. दो आ रहे हैं कहाँ से? रोटेशन से. और दो आ रहे हैं कहाँ से? वाइब्रेशन से. वाइब्रेशन में एक कंपोनेंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन. वेरी गुड, वेरी गुड. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम एक अल्टरनेट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच
the total number of independent ways in which a molecule can absorb energy, in which a molecule can absorb energy, can absorb energy, is known as degree of freedom, or are known as degree of freedom, are known as degrees of freedom, are known as degrees of freedom, degrees of freedom. इसको इन शॉर्ट हम लोग लिखते हैं DOF, degrees of freedom. याद रहेगा, याद रहेगा. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे डिफाइन करोगे? द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई पोजिशन एंड कॉन्फिगरेशन ऑफ अ सिस्टम कंप्लीटली, और द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मॉलिक्यूल कैन एब्जॉर्ब एनर्जी, आर नोन एज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो अभी हम लोग एक एक करके तीनों टाइप के गैस देखेंगे. पहले हम देखेंगे मोनोएटॉमिक गैस, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं. अगर तुमको ऑलरेडी पता है तो मोनोएटॉमिक के केस में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3. तो इन द केस ऑफ मोनोएटॉमिक गैस देर आर 3 कोऑर्डिनेट्स विच आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई पोजिशन एक्स वाई जेड, एंड देर आर 3 कोऑर्डिनेट्स विच आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई कॉन्फिगरेशन VX, VY and VZ. But VX, VY and VZ depend on X, Y and Z. So independent तो तीन ही है, X, Y और Z. VX, VY, VZ क्या है? Dependent है. तो इस केस में degree of freedom कितने आएंगे? 3. So monatomic gas, मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं यहाँ पे क्योंकि notes में दिया है. तो monatomic gas molecule has 3 degree of freedom. वो बाकी सब notes में दिया है, बराबर. अब सपोज मेरे पास एक मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल था, लेकिन इसको मैंने कन्फाइन करके रखा. कन्फाइन करना मतलब रिस्ट्रिक्शन डालना. इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि ये सिर्फ इस बोर्ड पे ही मूव हो सकता है. बोर्ड मतलब प्लेन, और प्लेन क्या होता है? टू डायमेंशनल. तो इस केस में व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? कितने? 2 की 3 2, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको एक्स और वाई एक्सिस में क्या करके रखा है? रिस्ट्रिक्ट करके रखा है. सो इफ मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल इज कन्फाइंड टू मूव इन टू डायमेंशन, द डिग्री ऑफ फ्रीडम आर 2. मैं ऐसा भी कर सकता था, मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, उसको सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव करना परमिशन दे के रखा है, बाकी नहीं हो सकता. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1. तो इन जनरल व्हेन अ मोनोटॉमिक गैस इज अलाउड टू मूव इन 3 डायमेंशन, इट हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. और ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कहां से आ रहे हैं? ट्रांसलेशन से. नंबर 2, रिजिड डायटोमिक गैस. तो इन दिस केस, इन केस ऑफ रिजिड डायटोमिक, फॉर अ रिजिड डायटोमिक गैस बॉन्ड लेंथ इज फिक्स्ड. रिजिड डायटोमिक गैस हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसलेशन और रोटेशन कितने? 2 ऑफ ट्रांसलेशन एंड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन. तो देयरफॉर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की जब बात करोगे, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, दे आर कमिंग फ्रॉम डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशन प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन. तो ये आ गया 3 और ये आ गया 2, मतलब कितना? 5. और अभी अभी हमने देखा था, वैसे ये जो आपके पास इक्विपार्टीशन थ्योरम था, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इसके हमने स्टेटमेंट लिखे थे, द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच क्वांटिटी टर्म इज हाफ के बीटी, या फिर द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच क्वांटिटी टर्म इन ट्रांसलेशनल मोशन विच इज क्वांटिटी इन वेलोसिटी इज हाफ के बीटी.
यहाँ पे हमने ट्रांसलेशन इसके लिए बोला था क्योंकि इससे पहले के जो हमने केस लिए थे, एग्जाम्पल जो लिया था हमने, वो लिया था ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि आइटम कौन सा था, मोनोएटॉमिक, कौन सा है, मोनोएटॉमिक। तो जब तुम मोनोएटॉमिक की बात करते हो तो ओनली मोशन इज ट्रांसलेशनल, बराबर। तो ये एक स्पेसिफिक केस है, ये जो तुमने सेकेंड स्टेटमेंट लिखा ना, इसका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का, ये स्पेसिफिक केस है, ये सिर्फ किसके लिए है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए, राइट। लेकिन अगर डायटॉमिक हो तो उस केस में आप इसका और एक स्टेटमेंट बना सकते हो, बताता हूँ, आएंगे वापस से हम लोग उस पर। अब आऊंगा, वापस आऊंगा यहाँ पे मैं। तो रिजिड डायटॉमिक में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 5, 3 कहाँ से आए और 2 कहाँ से आए। तो मैं अगर टोटल एनर्जी की बात करूँ, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, वेरी गुड। और ट्रांसलेशन का तो आपको पता ही है, पता है ना, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, और रोटेशन का आएगा हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर, हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर विल बी 0। क्यों 0? बिकॉज आई एक्स इज 0, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक्स एक्सिस पे बैठे थे, तो आई एक्स क्या हो गया, 0। अगर वही मॉलिक्यूल के एटम्स वाई एक्सिस पे होता तो आई वाई विल बी 0, अगर वही एटम ऑफ द मॉलिक्यूल जेड एक्सिस पे होता तो आई जेड इज 0। इन एनी केस इधर आई एक्स और आई वाई और आई जेड तीनों में से एक क्या है, 0। तो रोटेशन का कितने आएंगे, 2। हमने जो एग्जाम्पल लिया उसमें कौन 0 था, आई एक्स, तो हमने लिखा नहीं। अब अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव जस्ट सेड, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच क्वाड्रेटिक टर्म, ईच क्वाड्रेटिक टर्म कितना है, हाफ के बीटी, 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5/2 के बीटी, वेरी गुड। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टेशन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगा दैट विल बी 5/2 kVT, सही है। क्यों ऐसा, क्योंकि कितने क्वाड्रेटिक टर्म थे, 5/2। लेकिन एक चीज और बताओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 5, और क्वाड्रेटिक टर्म कितने हैं, 5। इसका मतलब क्या होता है, जितने क्वाड्रेटिक टर्म हो उतना ही क्या आता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसका तुम अल्टरनेट डेफिनेशन भी लिख सकते हो ना, आप बोल सकते हो द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ के बीटी, द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ के बीटी, लिख सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा उतना ही क्वाड्रेटिक टर्म आ रहा है। मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, 3 था ना, और क्वाड्रेटिक टर्म कितना था, 3 था, हाफ वी एक्स स्क्वायर हाफ वी वाई स्क्वायर हाफ वी जेड स्क्वायर, बराबर, करेक्ट। तो तुम जैसे बोल रहे हो ना, हर एक क्वाड्रेटिक टर्म के साथ हाफ के बेटी, तो वैसा ही बोल सकते हो, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितना एनर्जी है, हाफ के बेटी। रिजिड डायटॉमिक के लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम आए, 5, तो क्वाड्रेटिक टर्म भी कितने आए, 5, तो एनर्जी कितना हो गया, 5/2 केवीटी। अब आ जाते हैं नॉन रिजिड डायटॉमिक पे, तो थर्ड टाइप इज नॉन रिजिड डायटॉमिक, रिजिड हो गया, अब नॉन रिजिड, नॉन रिजिड डायटॉमिक, नॉन रिजिड डायटॉमिक गैस। अब नॉन रिजिड डायटॉमिक गैस में सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज आएगी, मतलब जो रिजिड में था वो छोड़ के एक एक्स्ट्रा, रिजिड में कौन कौन था, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, यहाँ पे एडिशनली क्या आएगा, वाइब्रेशन। सो इन दिस केस द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल हैव एक्स्ट्रा वाइब्रेशनल मोशन, एडिशनल वाइब्रेशनल मोशन,
इसका मतलब मुझे रोटेशनल और ट्रांसलेशनल वापस से देखने की जरूरत नहीं, वो तो है ही, एक्स्ट्रा सिर्फ क्या है, वाइब्रेशन। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन ये आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। अभी यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, ये ट्रांसलेशन मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशन नहीं है, ये किसका ट्रांसलेशन है, एटम्स का, मॉलिक्यूल का नहीं। मॉलिक्यूल अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, वो कर रहा है तो तुमने ट्रांसलेशन में काउंट कर लिया इसको। इसमें जो एटम्स थे मॉलिक्यूल के, उसके वाइब्रेशन की बात चल रही थी, और एटम्स कौन से एक्सिस पे थे, एक्स एक्सिस पे। तो जब एटम्स मूव होंगे तो कौन से एक्सिस में मूव होंगे, एक्स एक्सिस में। तो उसका एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर। सिर्फ गड़बड़ नहीं हो इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज रिलेटेड टू वाइब्रेशन, इट इज नॉट रिलेटेड टू ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन तुमने ऑलरेडी काउंट करके रखा है, क्या है ना, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, दैट इज हाफ के स्क्वायर। अगर एटम्स वाई एक्सिस पे होते तो हाफ एम वी वाई स्क्वायर और हाफ के वाई स्क्वायर। जेड एक्सिस पे होते तो हाफ एम वी जेड स्क्वायर और हाफ के जेड स्क्वायर। यहां तक क्लियर, पक्का पक्का? तो कितने क्वाड्रेटिक टर्म है, दो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने है, दो। देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन आर ऑल्सो टू, वन कमिंग फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी एंड अदर कमिंग फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दिस केस टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आर डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ट्रांसलेशन प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम रोटेशन प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम वाइब्रेशन। सो यू हैव 3 + 2 + 2, दैट इज इक्वल टू 7। देयरफॉर व्हाट विल बी टोटल एनर्जी इन दिस केस, 7/2 kBT, 7/2 kBT। वेरी गुड, क्लियर है यहाँ तक, पक्का? आगे एक टॉपिक आएगा, आज हुआ तो आज नहीं तो कल, वहां पे वापस लगने वाला है ये। तो जस्ट फॉर अ क्रॉस चेक, मोनाटॉमिक गैस में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं और कहाँ से आते हैं, 3, एंड दे कम फ्रॉम ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब द एटम विल जस्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। रिजिड डायटॉमिक में कितने होते हैं, 5, 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशन, और नॉन रिजिड में 7, 3 ट्रांसलेशन एंड 2। वेरी गुड गुड, तो इतना पता होना चाहिए। इसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्चुअली 11th में हो गया था, लेकिन तुम भूल गए होंगे ऐसा मेरा विश्वास है, नॉट अजम्पशन। इसके लिए मैं वापस रिपीट करने वाला हूँ। पहले हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टाइप देखेंगे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पहले डिफाइन कर लेंगे। अगर मेरे पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अब यहाँ पे मैं सर्टन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं बोलूंगा, मैं सर्टन अमाउंट ऑफ गैस बोलूंगा, क्योंकि हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गैस और लिक्विड और सॉलिड सबके लिए एप्लीकेबल होता है, मोस्टली फॉर गैस एंड लिक्विड, बट सिंस वी आर स्टडिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सो वी आर कंसिडरिंग ओनली गैस। तो मैं यहाँ बोलूंगा सर्टन अमाउंट ऑफ गैस, सर्टन अमाउंट, कितना अमाउंट मैंने नहीं बोला, 1 kg बोला क्या, नहीं, 1 मोल बोला क्या, नहीं, सर्टन अमाउंट ऑफ गैस। अब मेरे पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ गैस है, मुझे उसका टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री से, तो क्या करोगे, हीट सप्लाई करोगे। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सर्टन अमाउंट ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, ऐसा क्यों बोला मैंने, थोड़ा सा वापस 11वीं में जाते हैं, केल्विन स्केल अलग है, डिग्री सेल्सियस स्केल अलग है, सही बात है, लेकिन उनके जो डिविजन है ना वो इक्वल लेंथ के हैं। फॉर एग्जाम्पल आइस पॉइंट, आइस पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर पे वाटर का कन्वर्जन आइस में होता है, उसको आप डिग्री सेल्सियस स्केल में 0 बोलते हो। वो हमने बोला, वो हमने नंबर दिया उसको, मैं चाहता तो माइनस भी बोल सकता था, -10, मेरी मर्जी, लेकिन डिग्री में हमने क्या बोला है, 0। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसको तुम स्टीम पॉइंट बोलते हो, एट टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच वाटर गेट्स कन्वर्टेड टू स्टीम, उसको हम लोग बोलते हैं 100।
जीरो से हंड्रेड में हम हंड्रेड इक्वल डिवीजन कर देते हैं, ईच डिवीजन इज 1 डिग्री सेल्सियस। केल्विन स्केल में जो आइस पॉइंट है उसको 32 बोलते हो, 32 बोलते हो ना, वो फ़ारेनहाइट में होता है। वेरी गुड वेरी गुड। तो 32 किस में होता है? फ़ारेनहाइट में। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 212। तीन तीन स्केल्स है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, एक है डिग्री सेल्सियस, एक है फ़ारेनहाइट। ये दो प्रैक्टिकल स्केल्स है, प्रैक्टिकल स्केल मतलब डे टू डे यूज के लिए। और तीसरा स्केल है केल्विन स्केल, वो सिर्फ फिजिक्स या साइंस में ही यूज होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में तुम कभी नहीं देखोगे कोई बोल रहा है टेम्परेचर 100 केल्विन है, ऐसा कोई नहीं बोलता। 100 फ़ारेनहाइट बोलेगा, 100 केल्विन नहीं सुनोगे कभी। तो याद रखो, स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट ये दो पॉइंट है। आइस पॉइंट डिग्री सेल्सियस में 0 और फ़ारेनहाइट स्केल में 32। 32 स्टीम पॉइंट डिग्री सेल्सियस में 100, फ़ारेनहाइट में 212। 100 और 0 में 100 डिवीजन, ईच डिवीजन इज 1 डिग्री सेल्सियस। 32 और 212, 180। 180 डिवाइड कर दिया आपने 180 पीसेस में, ईच ईच डिवीजन इज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट स्केल में आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट में कितने डिविजन्स हैं? 180, सही है। और यहाँ कितने हैं? 100। तो दोनों स्केल सेम है क्या? नहीं है। लेकिन केल्विन स्केल में तुम क्या करते हो, क्या करते हो? सिर्फ 0 डिग्री को क्या बोल देते हो? 273। और डिविजन्स सेम रखते हो, मतलब 1 डिविजन ऑन केल्विन स्केल इज इक्विवेलेंट टू 1 डिविजन ऑन सेल्सियस स्केल। तो जब भी बोलोगे स्पेसिफिक हीट डिफाइन, जब भी करोगे तो हमेशा याद रखना, व्हेन एवर यू डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो यू ऑलवेज से द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेस द टेम्परेचर ऑफ सर्टन अमाउंट ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। हो सकता है नोट्स में मैंने 1 केल्विन नहीं लिखा हो, लेकिन पता होना चाहिए। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सर्टन सर्टन सर्टन, दिमाग में डाल लो ये, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बोला। 1 किलोग्राम 1 मोल बाद में देखेंगे। ऑफ सर्टन अमाउंट ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, और 1 केल्विन इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इन शॉर्ट, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना है तो क्या सप्लाई करना पड़ता है? हीट। तो मुझे अगर टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो मैंने क्या सप्लाई किया? हीट। और उस हीट को क्या बोल दिया? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिंपल, राइट। अब इसमें दो टाइप आते हैं। तो जब आप हीट सप्लाई करते हो, थोड़ा सा यहाँ इससे आगे थोड़ा सा इमेजिनेशन लगेगा, और ये जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आया तो अगला टॉपिक बाय डिफॉल्ट इजी हो जाएगा। तो सपोज मेरे पास एक कंटेनर था, क्योंकि हमको गैस चाहिए, तो गैस तो तुम कंटेनर में रखोगे। अब ऐसा हो सकता है कि जिस कंटेनर में गैस है उस कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है। जिस कंटेनर में गैस है उसका वॉल्यूम क्या है? फिक्स। फिक्स मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। या ऐसा भी हो सकता है जिस कंटेनर में गैस है उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है लेकिन प्रेशर फिक्स है। तो वॉल्यूम चेंज कैसे करते हो पता है आपको? पिस्टन लगा देते हो उसके ऊपर, एक मूवेबल पिस्टन होता है। तो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ गैस, यू कैन इधर कीप वॉल्यूम कांस्टेंट और यू कैन कीप प्रेशर कांस्टेंट। तो स्पेसिफिक हीट के दो टाइप होते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, आप डिफाइन कैसे करोगे वो भी देख लेते हैं। तो लेट अस सी हाउ टू डिफाइन व्हाट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड व्हाट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। बहुत सिंपल, हम
हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन किया था? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सर्टन अमाउंट ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सर्टन अमाउंट ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सिंपल, एक केस में वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, एक केस में हाँ प्रेशर कांस्टेंट रखा। तो मैं अभी वो लिखने नहीं वाला, वो तो आपको भी समझ में आ गया। सिर्फ यहाँ पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। है क्लियर? सिर्फ दो दो तीन तीन वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। अब इसमें भी दो दो टाइप है, इसमें भी दो दो टाइप आते हैं। एक होता है मोलार, एक होता है प्रिंसिपल। तो यू हैव वन मोलार एंड द अदर इज प्रिंसिपल, मोलार एंड प्रिंसिपल। अभी मोलार मतलब क्या और प्रिंसिपल मतलब क्या, अब थोड़ा सा वर्ड्स चेंज करने पड़ेंगे आपको, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज नोन एज मोलार स्पेसिफिक हीट, इज नोन एज मोलार स्पेसिफिक हीट। अगर मैं बोलता हूं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इट इज नोन एज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। अगर मैं बोलता हूँ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इट विल बी मोलार स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। बराबर, मतलब यही। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इट इज नोन एज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इफ आई से द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इट इज मोलार स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इफ आई से द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इट इज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो अभी ये याद रखना क्योंकि ये सब काम में आएगा, तो याद रहेगा ऐसा मेरा अजम्पशन है। ओके, याद रहेगा, याद रहेगा। तो अभी मैं वो सब लिखने तो नहीं वाला क्योंकि दिया है मैंने, वो भी सिर्फ रिवाइज करने के लिए है। दैट इज एक्चुअली फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। हमको एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक मायर्स रिलेशन डिफाइन डिराइव करना था। मायर्स रिलेशन, मायर्स वो मेयर में नहीं हो, मायर्स है वो, मेयर नहीं है वो। मेयर में MOYOR होता है, वो MAYER है। तो फिर हमको मायर्स रिलेशन के लिए चाहिए ये सब नॉलेज। तो मोलार स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इसको डिनोट करते हो CV से, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को करते हो SV से। मोलार स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज CP एंड दिस इज SP। दिस आर द नॉर्मल नोटेशंस। अभी इन सम बुक्स, कुछ कुछ बुक ऐसे भी है वो इसको स्मॉल CV बोलते हैं, इसको कैपिटल CV बोलते हैं। इसको स्मॉल CP बोलते हैं, इसको कैपिटल CP बोलते हैं। गुड। तो अभी बुक टू बुक नोटेशन वेरी करेगा, अनफॉर्चुनेटली यू विल गेट कंफ्यूज। बट इफ यू डोंट वॉन्ट टू गेट कंफ्यूज, जहां पे एक छोटा सी एक बड़ा सी है, तो बड़ा सी प्रिंसिपल है, छोटा सी मोलार है। और ये कैसे याद रखते हो? प्रिंसिपल मतलब 1 kg, और 1 kg में 1 मोल से तो ज्यादा ही गैस आता है, तो ज्यादा किस में है? प्रिंसिपल। तो ज्यादा जो होता है बड़ा होता है, तो कैपिटल सी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल एंड स्मॉल सी स्टैंड फॉर मोलार। वी विल नॉट यूज दिस नोटेशन, हम लोग CP, CV, SP और SV यूज करने वाले हैं। गुड, क्लियर? लेकिन खासकर तो NCERT के बुक में यू विल फाइंड स्मॉल सी एंड कैपिटल सी नोटेशन, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज।
देर इज नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है. डन, हो गया. गुड, तो आई होप यू नो ऑल द डेफिनेशन नाउ. यू नो वॉट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सर्टन अमाउंट ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन. इफ वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इफ प्रेशर इज कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. नाउ इफ यू हैव 1 मोल ऑफ गैस then molar specific heat, if volume is constant so constant volume, if pressure is constant then constant pressure, if you have 1 kg of gas principal specific heat, agar volume constant hai to principal specific heat at constant volume, otherwise principal specific heat at constant pressure. Now before we derive Myers relation, ab dekh hi rahe hain to thoda sa hum log samajh lete hain in dono situation ko. Jab tumne volume constant rakha, tumko टेम्परेचर बनाना था 1 डिग्री सेल्सियस से, चाहे वो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट हो चाहे वो मोलर स्पेसिफिक हीट हो, आई डोंट केयर. व्हाट आई एम सेइंग इज जनरल केस. यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम. यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? प्रेशर. मैंने यहाँ पे हीट सप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी हीट सप्लाई कर दिया. मेरा क्वेश्चन ये है कि दोनों में 1 मोल ऑफ गैस था, दोनों का टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर सेम है, दोनों केस में मुझे 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाना है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड दोनों केस में सेम रहेगा कि सेम नहीं रहेगा? सेम नहीं. अगर सेम नहीं होगा तो कौन से केस में ज्यादा लगेगा, कौन से केस में कम लगेगा? कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम केस में ज्यादा लगेगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर के केस में ज्यादा लगेगा. तो इफ यू आर सेइंग कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के केस में ज्यादा लगेगा तो प्लीज एक्सप्लेन, एंड इफ यू आर सेइंग कॉन्स्टेंट प्रेशर के केस में ज्यादा है तो प्लीज एक्सप्लेन. वेरी गुड. तो रिमेम्बर, जब प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो जो भी हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, इस हीट सप्लाई के दो काम हो रहे हैं, एक टेम्परेचर बढ़ाना और एक पिस्टन को ऊपर मूव करना. वर्क वर्क डन, वर्क डन होता है ना. व्हाट इज वर्क डन केमिस्ट्री में? तो वही होगा, पीडीवी. हुआ कि नहीं? हाँ. तो फिर एक चीज याद रखो, जब वॉल्यूम कांस्टेंट था तो जो तुमने हीट सप्लाई किया वो हीट सिर्फ एक ही काम कर रहा है. कौन सा काम? टेम्परेचर बढ़ाने का. लेकिन जब प्रेशर कांस्टेंट था, जो तुमने हीट सप्लाई किया वो दो काम कर रहा है. कौन से दो काम? टेम्परेचर बढ़ाना और वॉल्यूम बढ़ाना, मतलब वर्क करना. तो डेफिनेटली सेकेंड केस में हीट रिक्वायर्ड विल बी मोर. तो हमेशा याद रखना, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, एसपी इज ग्रेटर देन एसवी. तो सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, एसपी इज ग्रेटर देन एसवी. ये याद रहेगा तो मायर्स रिलेशन याद रहेगा. तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ज्यादा कि प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ज्यादा? कॉन्स्टेंट प्रेशर. So heat required at constant pressure is always greater than heat required at constant volume. ये याद रखो. अब आ जाते हैं हम लोग Myers relation पे, इसको derive करेंगे. So let us derive Myers relation. Important है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक दो equation याद रखने पड़ेंगे unfortunately, क्योंकि वो relation अगले chapter में define होंगे thermodynamics में. यूज अभी करने हैं लेकिन वो डिफाइन नेक्स्ट चैप्टर में होने वाले हैं. तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम लोग 1 मोल ऑफ गैस ले लेंगे. तो लेट अस कंसीडर 1 मोल ऑफ गैस इन अ कंटेनर फिटेड विद लाइट. लाइट मतलब पिस्टन का वेट नहीं है, बहुत कम है, मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस. ये वर्ड, तीन वर्ड दिमाग में फिट कर लेना आप. अब और इसके आगे थर्मोडायनामिक्स में ध्यान यहां दो. सीधा बैठो, आप सीधा बैठो. यस. तो अभी ये जो तीन वर्ड है ना, दिमाग में फिट कर लेना, लाइट, मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस. फ्रिक्शनलेस क्यों? क्योंकि तुम फ्रिक्शन लेते हो तो फ्रिक्शन में एनर्जी का लॉस होता है. अगर तुम फ्रिक्शन कंसिडर करते हो तो एनर्जी और भी लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन ओवरकम करने में एनर्जी का क्या हो गया? लॉस. तो जब हम लोग यहाँ पे कोई भी इक्वेशन डिराइव करेंगे तो तीन वर्ड हमेशा आएंगे, लाइट, मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस. सो कंसीडर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस इंक्लोज्ड
in a container fitted with light, movable and frictionless piston. एंड फ्रिक्शन लेस पिस्टन। तो ये डायग्राम है ही हमारे पास, तो मैं वापस ड्रॉ नहीं करूंगा। लेट, और मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था कि अगर गैस का स्टडी करना है तो तीन ही पैरामीटर यूज करने हैं। कौन से तीन? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। केमिस्ट्री में आप एंट्रोपी भी लोगे, यहाँ नहीं लेना है। तो लेट पी बी द प्रेशर ऑफ गैस, टी बी द टेम्परेचर ऑफ गैस, and V be the volume occupied by the gas. Okay, now that's clear. अब हम एक काम करेंगे, हम पहले केस में कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे और हम लोग गैस को हीट सप्लाई करेंगे। और तुमने यहाँ वन मोल बोला कि वन किलोग्राम बोला? वन मोल। तो हम प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं कि मोलार की कर रहे हैं? मोलार। तो लेट अस से पहले केस में लेट बी क्यू वन बी द अमाउंट ऑफ हीट, बी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैस, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैस बाय डी टी। तो हमने यहाँ पे अभी बोलो कि डी टी क्यू, वन डिग्री क्यों नहीं? अरे वन डिग्री भी डी टी ही है ना। डी टी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो 27 लिया और वन डिग्री बढ़ा दिया, कितना आ गया? 28। तो व्हाट इज डी टी? वन डिग्री, बराबर। तो डी टी बोलो, वन डिग्री बोलो, एक ही बात है। तो हम डी टी बोलेंगे। डी टी इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ गैस था, वन मोल ऑफ गैस था, उसका टेम्परेचर हमको डी टी से बढ़ाना है। तो कितना एनर्जी लग गया? कितना लग गया? डी क्यू वन। अब क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट था, मैंने अभी अभी बताया, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो हीट सप्लाई जो है वो क्या कर रहा है? सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज करना मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करना। अब मैंने जैसा तुमको बताया कि इस चैप्टर में कुछ वर्ड ऐसे हैं जो एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर में डिफाइन होंगे, उसमें से एक है इंटरनल एनर्जी। अब ये इंटरनल एनर्जी क्या है वो समझ लो, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो आई होप बिकॉज यू आर आंसरिंग ऑल्सो, केमिस्ट्री में हुआ है ऐसा असम्पशन है, तो मुझे बताओ व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? हाँ हाँ द अल्जेब्रिक सम ऑफ, ओके, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ओके चलो ठीक है। देखो ऐसा है, हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली, मतलब हर एक गैस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है। हो सकता है गैस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी सिर्फ काइनेटिक हो, क्योंकि हमारे अजम्पशन के हिसाब से सिर्फ काइनेटिक है, हो सकता है पोटेंशियल भी हो। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनके पास जो भी एनर्जी है, काइनेटिक है, पोटेंशियल है, हर एक गैस मॉलिक्यूल के एनर्जी को आप ऐड कर रहे हो, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स है उन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के एनर्जी को क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो, उसको बोलते हो इंटरनल एनर्जी। तो सम ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरनल एनर्जी, बराबर। और इंटरनल एनर्जी इज द मेजर ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो, जितना इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा उतना ही टेम्परेचर ऑफ द गैस ज्यादा होगा। तो अब कमिंग बैक हियर, हमने जो पहले केस में हीट सप्लाई किया, कितना हीट सप्लाई किया हमने? डी क्यू वन। उसने सिर्फ क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज किया। लेकिन मैंने आपको अभी अभी बताया टेम्परेचर मतलब क्या? इंटरनल एनर्जी। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा उसका इंटरनल एनर्जी भी उतना ज्यादा। तो ये जो डी क्यू वन है इसने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मतलब इसने क्या इंक्रीज किया? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। तो व्हाट इज डी? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो जब आप हीट सप्लाई करते हो तो गैस का क्या बढ़ता है? इंटरनल एनर्जी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, अभी ये याद रखना। तो व्हेन एवर यू सप्लाई हीट, व्हाट इंक्रीजेस इज इंटरनल एनर्जी, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस। लेकिन यू विल सी अगेन एनर्जी इज ऑल्सो स्पेसिफिक हीट इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। एनर्जी
इज ऑल्सो स्पेसिफिक हीट इन टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन तुमने यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखा था, तो यहाँ लिखोगे सी वी डी टी। तो डी क्यू वन इज सी वी डी टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, डी इक्वल टू सी वी डी टी। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, आगे बहुत काम में आएगा। तो डी ई इक्वल टू सी वी डी टी, यहाँ तक क्लियर? अभी भी लिंक नहीं लगा तो लिंक लगा लो। हमारे पास गैस था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, हमने हीट सप्लाई कर दिया गैस को कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। तो हीट सप्लाई कितना किया, डी क्यू वन, उसने एनर्जी इंक्रीज कर दिया, तो डी क्यू वन इक्वल टू डी ई एंड ऑल्सो डी क्यू वन इक्वल टू सी वी डी टी। तो देयर फोर डी इक्वल टू सी वी डी टी। अब अगर मैं हीट सप्लाई करता हूँ एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, हाँ ये पहले कांस्टेंट वॉल्यूम का था, तो ये हमने स्टार्टिंग में क्या किया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इनिशियली वी वर टॉकिंग अबाउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नाउ द सेम थिंग वी विल डू एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर सेम सेम, लेट डी क्यू टू बी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैस बाय सेम अमाउंट डी टी। ओके, तो फिर यहाँ पे डी क्यू टू बोल रहा हूँ मैं, सो लेट डी क्यू टू बी द क्या है ये डी क्यू टू, क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैस बाय डी टी। सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंडीशन है यहाँ पे, इनिशियल टेम्परेचर पहले केस में और दूसरे केस में सेम होना चाहिए और गैस भी सेम होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते यहाँ हाइड्रोजन लिया वहां हेलियम लिया, नहीं होगा, बिकॉज दोनों गैस का टाइप क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो व्हेन यू राइट डाउन अबाउट कांस्टेंट प्रेशर, यू शुड फर्स्ट मेंशन कंसीडर द सेम टाइप ऑफ गैस एट सेम इनिशियल टेम्परेचर। लिखा हुआ है नोट्स में, लिया एकदम सब दिया है वहां पे। ओके, लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन किया है, कंसिडर द सेम टाइप ऑफ गैस एट सेम इनिशियल टेम्परेचर, लिखा है ना सर? तो गैस का टाइप क्या है, सेम। इनिशियल टेम्परेचर क्या है, सेम। अब तुम क्या कर रहे हो, डी क्यू टू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो जब तुम डी क्यू टू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हो और एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो दो चीजें होती है, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और एक वर्क डन होता है। वर्क इज डन टू मूव द पिस्टन अप टू इंक्रीज वॉल्यूम। अब इक्वेशन नंबर 4, जैसे तुमने डी क्यू वन लिखा था, तुमने डी क्यू वन क्या लिखा था, सी वी डी टी, क्योंकि वहां पे कॉन्स्टेंट क्या था, वॉल्यूम, यहाँ पे कॉन्स्टेंट कौन है, तो क्या लिखोगे, सी पी डी टी। देयरफॉर ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, लेफ्ट हैंड साइड आर सेम तो राइट हैंड साइड शुड ऑल्सो भी सेम। तो व्हाट यू विल हैव इज सी पी डी टी इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू, लेकिन डी ई क्या होता है, इक्वेशन 3 सी वी डी टी, और आपको पता है डी डब्ल्यू क्या होता है, पी डी बी, राइट? व्हाट इज डी डब्ल्यू, पी डी बी, ये आगे सीखोगे, फिलहाल बताना चाहिए डी डब्ल्यू इज पी डी बी, डी डब्ल्यू इज पी डी बी। वर्क डन इज ऑलवेज प्रेजेंट टू वॉल्यूम, ये याद रखना। अब यहाँ पे हमने 1 मोल ऑफ गैस बोला है, तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल टू आर टी, क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस है। यहाँ पे कौन कौन कॉन्स्टेंट और कौन कौन चेंजिंग है बताओ, आर इज कॉन्स्टेंट, पी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो जब मैं डेरिवेटिव लूंगा, डेरिवेटिव मतलब चेंज, तो चेंज किसमें है, वॉल्यूम में और टेम्परेचर में, तो मैं क्या लिखूंगा, पी डी वी इक्वल टू आर डी टी, सिंपल, बराबर पी डी वी इक्वल टू आर डी टी। पी कॉन्स्टेंट, अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर तुमने बोला और आर भी कॉन्स्टेंट है, तो ये पी डी वी क्या आ गया, ये पी डी वी क्या आ गया, क्या आ गया, पी डी वी आर डी टी। तो देयरफॉर सी पी डी टी इक्वल टू सी वी डी टी प्लस आर डी टी, डी टी डी टी कैंसल, तो सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर, मतलब सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। कभी कभी होता है ऐसा, भूल जाते हैं, सी वी माइनस सी पी लिख देते हैं,
मैंने इसलिए पहले बताया सीपी बड़ा कि सीवी बड़ा। हाँ सीवी तो बड़े में से छोटा माइनस करना है कभी भी, तब जाके पॉजिटिव आएगा। तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू, हाँ तो बाकी का आप कल देखेंगे। तो